नेताओं व नौकरशाहों का करीबी विशाल चौधरी सोमवार को राजधानी रांची स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा था। उसने ईडी को पत्र लिखकर दो हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि ईडी ने उसके पत्र पर अभी विचार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही उसे दूसरा समन भेजा जाएगा। विशाल चौधरी पर आरोप है कि उसने अवैध खनन से नेताओं व नौकरशाहों तक पहुंचने वाले काले धन का निवेश किया। पूर्व में विशाल चौधरी के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी में करोड़ों के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी ने विशाल चौधरी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया था। उसे देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद पिछले दिनों वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने ही वाला था कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। मौके पर पहुंची ईडी ने उसे 28 नवंबर को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन थमाया था। विशाल चौधरी 28 नवंबर को ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचा और पूछताछ में शामिल होने के लिए उसने दो हफ्ते का समय मांगा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।